अरे ये चाचू की फाइल है। आपको पता है मनु कितनी डांट पड़ेगी। मैंने डांट नहीं सुननी। नहीं नहीं, यही मौका है बदला लेने का। ये मौका तो मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकती। अरे परिदीप सुनिए, ये देखिए ये पुरानी फाइल है। इम्पोर्टेंट होती तो चाचू थोड़ी ना रख के जाते हैं। ये देखिए ग्रीन पेपर्स है। ग्रीन पेपर्स तो खेलने के लिए होते हैं ना, इम्पोर्टेंट नहीं होते। व्हाइट पेपर्स इम्पोर्टेंट होते हैं। ये देखिए, हाँ, पेपर तो हरा रहा है। लेकिन क्या फायदा, आपको तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो मैं ले लेती हूँ। मैं इससे मैं चाहिए। ये ग्रीन पेपर है ना, मैंने ग्रीन पेपर से हेलीकॉप्टर बनाना है। मैंने बोट भी बनानी है ग्रीन। और मेरा ना सारा होमवर्क भी हो जाना है इसमें। अब हेलीकॉप्टर बनाना, बोट बनाना, तो हम ना साथ मिलके बनाते हैं। अब मेरे कमरे में भी नहीं आते कभी। चलो ना, चलो साथ में बोट बनाने। लेकिन पहले मेरी देख रही है। अब मैं जाऊंगी ना, मैं आऊंगी आपके कमरे में। आप स्टार्ट कीजिए, मैं भी आती हूँ। आपके लिए मैंगो मिल्कशेक बना के लाती हूँ। मैंगो भाभी, वो मैंगो मिल्कशेक मैं आप ना वो मैंगो को ना ऐसे छोटे 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 काट के ऐसा पलटा लो, छोटे छोटे पीस करके ऊपर। मैंने बड़ा चंगा लगता है। हाँ, पक्का पक्का। हाँ? आप जाइए, मैं अभी आती हूँ। भाभी ये पक्का मैं ले लू ना पेपर, चाचू के मैनु डांट तो नहीं पटेगी ना। मैं ना दिल में ऐसे लिटिल डर लग रहा है मैनु। परिदी आपको लिटिल डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना, आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप जाइए आराम से, आप अपना काम कीजिए। मैं आती हूँ अभी। जल्दी आना। नाव बनाएंगे, उसमें मछली भी लाएंगे, मछली भी तैराएंगे। वेल डन भूमि, सरकरी परी से छुटकारा पाने का सलूशन फाइनली मिल गया। मैं आती हूँ। महादेव, निकल तो पड़ी हूँ, पर ना रास्ता पता है ना मंजिल। बिल्कुल अकेली हूँ, बस साथ में आपका भरोसा है। भली करना भोलेनाथ, मैं तो आपके आशीर्वाद से खुद को संभाल लूँ, पर मेरी ईजा का ख्याल आपको रखना है महादेव। हर हर महादेव। डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है। मैंने तिनका तो इसे थमा दिया, पर इसे नहीं पता उस तिनके में एक कांटा है और कांटे से बंधा पूरा जाल है, तो कब निकल नहीं पाएगी। काजू बेटा, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। समझ लेना, तुम उसी के लिए बनी हो। चलो। ये तुम गाना भी नहीं सोचने देंगे। हेलो देव सर। हेलो बड़ी, होमवर्क हो गया? गाना अच्छे से याद कर लिया? हाँ जी मैम, हो गया जी। पक्का? क्योंकि पता है ना, होमवर्क नहीं हुआ तो पनिशमेंट मिलनी है। नहीं मैम, मैंने होमवर्क कर लेना है। वधिया, फिर ते होमवर्क हो गया तो नो पनिशमेंट। वैसे भी परी मेरी फेवरेट स्टूडेंट है। आता हूँ मैं।
बाय। चल चल परी, होमवर्क होमवर्क। ये गाड़ी तो नील जी के दोस्त की ठहरी। यहाँ कैसे? आपका घर इसी रास्ते? तुम्हारा फोन किधर है? कब से ट्राई कर रहा हूँ, तुम भूल गए हो क्या? ये दिल्ली शहर में आई हो, तुम्हारे पहाड़ों का कस्बा नहीं है? अरे करोड़ों लोग रहते हैं यहाँ पे यार, और तुम ऐसे ही घूम रही हो, वो भी बिना फोन के। फोन दो। इसकी बैटरी शायद। काजू तुम्हें पता भी है, ये चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी कि फोन चार्ज करना चाहिए जब भी तुम ट्रैवल करती हो। रुको मैं कार से चार्ज करके लाता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं ठहरी, मैं खुद कर लूंगी। आपने वैसे ही बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मैं और परेशान नहीं करना चाहती आपको। आपको कैसे पता चला मैं आऊं? तुम्हारी टेंशन में, तुम्हारा फोन नहीं लगा तो पहले वहां गए जहां तुम्हें पहले ड्रॉप करा था। तुम वहां नहीं मिली तो फिर ढूंढते हुए यहां आ गए। ये कितना परेशान हो गया तुम्हें ढूंढ के, एक बार अभी अपने घर नहीं गया है वो। नहीं, इसे टेंशन नहीं कहते, इसे दोस्ती कहते हैं। तुम्हारे लिए नया शहर है, टेंशन तो होगी ना मुझे, तो इसलिए आ गया। हाय, नमस्ते आंटी जी, आप इनके रिलेटिव हो? हाँ। नहीं, हाँ, मतलब यही है। लेकिन तुमने तो भी बोला कि नहीं। आंटी जी बोल रहे हैं हाँ? वो ये मेरे कस्बे से है ना, कोई रिश्ता नहीं है हमारा, इसलिए मैंने ना बोला था। लेकिन ये मेरी मेरी मौसी जैसी है। रिश्तेदार से भी बढ़कर। लेकिन मैंने तो तुम्हें इनके घर के बाहर छोड़ा था ना, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो क्या है ना, हमने घर बदली किया था, तो काजू बेटा का तो पता ही नहीं था है ना, इसने फोन किया फिर मैं इसे यहाँ लेके आई, है ना काजू बेटा? हाँ, और उस समय तक फोन भी चालू था, वरना तो मैं भटकती रह जाती। आंटी जी, अभी आप किधर शिफ्ट हुई हैं? अब यहाँ पे। हाँ, वो तिवारी मिष्ठान भंडार पता है ना आपको, पूरी दिल्ली उनकी जलेबियाँ खाने के लिए लाइन लगाती है, बस उसी के पीछे रहती हूँ मैं। आप अपनी फिक्र निभा रहे हैं और मैं अपना फर्ज। आपकी जिंदगी बहुत सुलझी हुई है नील जी, मैं अपने उलझट्टे में आपको और नहीं उलझा सकती, इसलिए आपसे झूठ बोल के जाना पड़ेगा नील जी। काजू, थैंक गॉड तुम्हारी मासी मिल गई, पता है मुझे थोड़ा सा ना गिल्ट हो गया था।
तुम्हें ऐसी ही दिल्ली की खाली सड़कों पे छोड़ा या और तुम्हें पूछा भी नहीं। I was not feeling good यार। I'm relaxed because now you are in safe hands. Thank you very much, auntie. आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। Thank you आपने कहा। Now you can take a chill pill near, right? Yeah. काजू, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो, बेफिक्र होके बिना हिचकिचाए मुझे कॉल कर। तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना? आंटी जी, ये बहुत ही अच्छे इंसान है, इनका आप प्लीज ध्यान रखना। और अच्छी इंसान से ज्यादा ये मेरी बहुत ही ज्यादा खास और प्यारी दोस्त है। वो समझ गए अनिल, अब चले। यस, लेट्स गो। अपना ध्यान रखना। बस बस काजू बेटा, अब रोना मत। अगर वो तुम्हारे आंसू देखेगा तो फिर तुम्हें छोड़ नहीं पाएगा। देखो बेटा, तुम जो भी कर रही हो सही कर रही हो, हर किसी के बस की बात नहीं है ये। इसे करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। चलो मेरे साथ चलो। अब कैसे करेगी होमवर्क? आइडिया, परिपुत्र तू ना अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दे दे, तो मैंने ना सब याद आ जाना। हाँ, जी हाँ जी, सारे कागजात बिल्कुल रेडी हैं, आप परेशान मत हो, आज 100% बेल हो जानी है ना, हो ना? हाँ, टेंशन मत लो भाई साहब। ओके 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 बाय। फाइल कहाँ चली गई? यहीं तो रखी थी मैंने। अरे हाँ, सोनिया को बोला था संभाल कर रखने के लिए। सोनिया, सोनिया, अरे सोनिया। हाँ जी, हाँ जी, क्यों होया? सुन, वो फाइल दे जो मैंने बोला था ना तेरे को संभाल कर रखने के लिए। क्या ढूंढ क्या रही है? अरे वो फाइल आपने ली? अजीब बात कर रही है, अगर फाइल मेरे पास होगी तो मैं तुझसे क्यों मांगूंगा? दिमाग खराब हुआ मेरा? मैं किचन में बिजी थी। अब कहां ढूंढूं मैं उसे? बोला था ना बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। फाइल मैंने यही रखी थी, कहां गई? क्यों यार, की ढूंढ रहे हो तुसी लोग? पर जल्दी इत्थे एक फाइल दी थी तुझे संभाल कर रखने के लिए। बोला था इंपॉर्टेंट फाइल है, बेल के पेपर्स हैं, कोर्ट में जमा करना है, वो भी तुझसे संभाल कर रखा नहीं गया। मुझे समझ ही नहीं आता, सारा दिन तू इस घर में करती क्या है? तो भाई साहब थोड़ी शांति रखो तुसी। ओ भाभी, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी वो। ठीक है भरा, ढूंढ लेंगे, घर में ही है ना चीज, घर से बाहर तो नहीं गई किथे। ओए, कभी कभी चीज आंखों के सामने होती है पर नजर नहीं आता। जैसे तू ना चश्मा यहाँ अटका लेता है और फिर जोर जोर से चिल्लाता है, ओ मेरी आंखा किथे है, ओए मेरी आंखा। बाऊजी, बाऊजी, भाई यही रखी थी, आपने कहीं देखी? नहीं बेटा। सोनिया पुत्र,
इनको काला मोतिया उतराया है। बगल में खड़ी मैं तो दिसती नहीं हूँ, है फाइल क्या खाक दिखेगी? हम तो यही थे, हमने तो कोई फाइल नहीं देखी। जी मैंने इतनी रखी सी। अब ऑरेंज कलर की फाइल थी क्या? हाँ बेटा ऑरेंज कलर की, बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है, तूने देखा क्या? हाँ मैंने देखा ना, परिधि को ऊपर लेके जाते हुए। परी को? हाँ वो पेपर ढूंढ रही थी, उन्हें हेलीकॉप्टर बनाना था, तो फाइल के अंदर ग्रीन कलर के पेपर देख के वो तो ऊपर लेके चली गई। मैंने पूछा भी कि हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, तो उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेंट फाइल होती तो ऐसे टेबल के ऊपर थोड़ी ना पड़ी होती। और ग्रीन ग्रीन कलर के पेपर्स जो होते हैं वो खेलने के लिए होते हैं, वाइट कलर के पेपर्स वो ज़रूरी होते हैं। क्यों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पेपर्स थे क्या चाचा जी? परी, 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 परी! सही है भाई यार, तू तो दिल्ली से ऐसे गायब हुआ जैसे साफ हवा, इतने दिन के बाद दिख रहा है। हाँ अरे यार लाइफ थोड़ी सी बिजी हो गई। वैसे तूने तो कपड़े बड़े भिंचक डाले हैं, बड़े पैसे वैसे आ गए। हेलो गाइस, एक सेकंड। हम बोलो। डोंट थिंक कि तुम्हारा ये दोस्त मेरे साथ बिजी था। सर ना एक्चुअली किसी और के साथ बिजी थे। ये मार्क्स दिख रहे हैं ना, एक्शन के नतीजे हैं। अरे जाना भाई, अरे जाना, जल्दी जाना, जल्दी जा। पवित्र ओए, क्या हुआ? गर्लफ्रेंड हो तुम्हारी, थोड़ा जेलस फील करना तो बहुत राइट है मेरा। ओके तुम और जेलस, अच्छा कोई वैलिड रीजन बताओ जेलस होने का। माय डियर डार्लिंग फ्रेंड काजू। काजू सीरियसली? आजा आजा संभल क्या, अरे आओ चलो, अब मैं पकड़ती हूँ, आ जाओ। हेलो, मेरा शक बिल्कुल सही था, आज फिर एक नई लड़की आई है उस औरत के साथ। मैंने पिछले एक हफ्ते से इस मकान पे नजर रखी, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है इस मकान के अंदर। ये किसका, मतलब कि आपके एनजीओ का कोई नाम नहीं ठहरा, मतलब कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ यहाँ? तू पहले अंदर चल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सारी बातें तो होती रहेगी, चल। चल